Cause I just wanna go, go, go to the deep end. टेक्नोविज में आपका स्वागत है। बहुत सारी जबरदस्त गर्मागर्म ताजा खबर आज भी लेके आया हूँ। हफ्ते की आखिरी टेक न्यूज लेकिन बहुत मजेदार है, और थैंकफुली कल संडे तो मुझे पूरा दिन मिल जाएगा अपनी बेटी के साथ स्पेंड करने के लिए। अभी भी माहौल जो है वो क्लाइमेट के हिसाब से सही नहीं है, तो इसलिए मेरा फोकस जो है अभी मेरे फैमिली पे थोड़ा ज़्यादा जा रहा है। इसीलिए थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे हो जाता है मेरा प्रेजेंस पे कहीं पर सोशल मीडिया पे या टेक न्यूज़ में, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। दुआ करिए कि सब कुछ सही हो जाए। नेक्स्ट वीक से फिर हम अपना तीसरा स्टेप बताएंगे लेजेंडरी डांस का, उसके साथ बने रहना। दो तो हमने बता दिया, प्रैक्टिस करते रहिए। एनीवेज, पोल की बात करें, मैंने आपसे पूछा था वन प्लस नॉट सीई की प्राइस कैसे लगी। 70% से ज़्यादा लोगों ने कहा ओवर प्राइस्ड, 70% से ज्यादा लोगों ने कहा। आज हमने Realme 8 5G इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू किया है, 45 डेज इस्तेमाल करने के बाद जो भी एक्सपीरियंस था, प्रोस कॉन्स सब बताया। उस वीडियो को जरूर से देखना, लाइक करिए। 50,000 क्या हो रहा है, कम ऑन गाइस, 50,000 लेके जाइए। फटाफट से आज की रेट शुरू करते हैं। पहली खबर की बात करते हैं मस्के वाले भैया से, एलोन मस्क से। जी हाँ, उन्होंने अपनी एक न्यू टेस्ला मॉडल लॉन्च कर दिया है, एस प्लेट करके। इसकी जो प्राइस है वो 95 लाख के आसपास है। ये इंडिया में नहीं, ये ग्लोबली होता है। ऑब्वियसली इंडिया में तो अभी तक टेस्ला आया नहीं है। खैर, 0 to 100 km/h इन जस्ट 2 सेकेंड्स, जो बहुत बड़ी बात है। और उसके अलावा 17 इंच की आपको सामने डिस्प्ले, बैक साइड 8 इंच की। लेकिन जो आगे वाला डिस्प्ले है, इसमें बताया जा रहा है कि आप साइबर पंक 2077 जो गेम है ना पीसी वाला, वो खेल सकते हैं, क्योंकि इसका जो कंप्यूटिंग स्पीड है वो 10 टेराफ्लॉप्स से भी ज़्यादा है, जो PS5 का है वैसी है। इतना पावरफुल आपको यहाँ पर ही मिलता है। एनीवेज, उसके साथ साथ भी बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलती है। पोर्शे से भी फास्ट है, ऐसा बोलते हैं वो लोग। क्या बात है, 95 लाख, किडनी के साथ साथ बहुत कुछ देना पड़ेगा। सैमसंग गैलेक्सी M32, ये फ़ोन इंडिया में बड़ी ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। ये मुझे नहीं लगता कि M31S का सक्सेसर है, आई थिंक M31 का सक्सेसर हो सकता है। M31S जो होगा उसका सक्सेसर में भी M32S होगा। मैं पागल हो रहा है इधर। एनीवेज, छोड़ो। वैसे अभी बताया जा रहा है, ऐसा लीक हुआ है कि 90 Hz आपको डिस्प्ले मिलेगी, और ये अगर AMOLED होता है फिर बात बनेगी। फिर देखते हैं कि सैमसंग इसकी प्राइस क्या रखता है। वैसे हीलियो G85 या G80 आई थिंक, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होगी। देखना है कि ये फ़ोन कितना जल्दी आता है, और 90 Hz AMOLED अगर होता है, अच्छी प्राइस पर मिलता है, नॉट बैड। Qualcomm Snapdragon 895, अब बातों बातों में Lenovo के हेड्स के मुंह से निकल गया था। गलती कर जाएगा भाई ने। खैर, Vivo X70 Pro Plus ये फ़ोन में आपको देखने को मिलेगा, ये वाला चिपसेट। जी हाँ, ऐसे ही कुछ लीक्स आ रही है। वैसे बहुत सारे ब्रांड्स होगी जिनके अंदर आपको ये चिपसेट मिलेगा, जब नया नया ये आएगा तब। अब नाम भी कन्फर्म है कि नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है यही हो सकता है, क्योंकि भाई मुँह से निकल गया तो। Vivo X70 Pro Plus Snapdragon 895। इमेजिन iOS 4 बहुत पहले वाला iPhone 3GS जब आया था ना, वो वाला, हाँ वो, अगर आपको अभी आपके iPhone 12 वगैरह में देखने को मिले तो आपको कैसा लगेगा? बहुत कमाल का लगेगा, क्योंकि वो ऑब्वियसली क्लासिक UI है, OS है Apple का, और अभी एक डेवलपर है जिसने सिर्फ एक ऐप से ही वो आपको पूरा एक्सपीरियंस करने का मौका दे रहा है। पूरा आपका जो iPhone है वो iOS 4 जैसा यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस देगा, जो एक बहुत ही बड़ी बात है। वैसे एंड्रॉयड में भी मुझे लगता है करना चाहिए ना, शुरू वाला एंड्रॉयड एक ऐप से आपको पूरा एक्सपीरियंस दे देंगे, होना चाहिए। अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं तो ये ओल्ड OS ऐप ऐप स्टोर से जाइए, इंस्टॉल करिए और मज़े करिए। याद है दोस्तों, ट्विटर को नाइजीरिया के अंदर बैन कर दिया गया था, क्योंकि वहाँ के प्रेसिडेंट ने कुछ ट्वीट किया, उन्होंने हटा दिया, और वहाँ पर उन्होंने एक्शन लेकर उसको कम्प्लीटली भगा दिया। वैसे ही दोस्तों, अब बताया जा रहा है कि नाइजीरिया की जो गवर्नमेंट है, अब वो ऐप का इस्तेमाल कर रही है। जी हाँ, जो इंडियन ऑल्टरनेटिव है ना ट्विटर का, यस आपने बिल्कुल सही सुना, नाइजीरिया वाले जो है, वहाँ के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है, वो कू ऐप इस्तेमाल कर रही है, जो एक बहुत ही बड़ी बात है। एनीवेज, अब देखते हैं कि इंडिया में ट्विटर तो फिलहाल के लिए IT लॉ से कंप्लाई किया नहीं, थोड़ा वक्त मांग रहा है कोविड की वजह से। देखते हैं, हमको भी टिक नहीं दिया है। छोड़ो, टेक्नोरोस की टेक्न्यूज का नोटिफिकेशन क्लिक, बाकी सब छोड़ दो, डिस्क्रिप्शन, बैटल ग्राउंड्स क्लिक, और आप इधर आ गए 2 सेकंड के अंदर। मैं एक ऐसा यूट्यूबर है जो रंगे हाथों पकड़ता है तुम लोग को, रंगे हाथों। एनीवेज, पबजी न्यू स्टेट, ये जो गेम है अभी धीरे धीरे इसका बीटा शुरू हो गया, गेम प्ले वगैरह सब कुछ चालू हो रहा है। इसमें 3 अलग अलग मैप्स है दोस्तों जो दिखाए जा रहे हैं, जो एक्चुअल में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और क्राफ्टन जो है, अभी बताया जा रहा है कि इसको और भी एडवांस करने वाला है, और बहुत सारी चीज़ें इस गेम के अंदर ऐड करेगा। वैसे ये खबर निकल कर आ रही है कि ये जो गेम है पबजी न्यू स्टेट जो है, जब बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया जो आएगा ना, वो ऑब्वियसली पबजी है,
उसका जो दूसरा वर्जन आएगा, एडवांस वर्जन आएगा, वो ये वाला गेम होगा, PUBG न्यू स्टेट। तो बैटल ग्राउंड्स मोबाइल 2 या किसी भी नाम के साथ जो वो गेम आएगा, वो आपको ये वाला गेम देखने को मिल सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। और क्राफ्टन जो है दोस्तों, वो पूरी प्लानिंग कर रहा है बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया को पहले लेके आएगा, थोड़ा चलाएगा, उसके बाद इस साल की एंड या 2022 की स्टार्ट से इंडिया के अंदर ये वाला गेम बैटल ग्राउंड्स मोबाइल 2 बन के आ सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली उस नाम के साथ तो आएगा नहीं, वो वैसे ही उसको इंडिया में अलग नाम से लॉन्च करेंगे। तो ये खबर आ रही है जो काफ़ी एक्साइटिंग है। पहले ये देख लेते हैं कि 18 जून को ये आता है कि नहीं आता है। इधर ऐसी दिमाग खराब हो गया, नाक में दम हो गया, उसके बाद हम आगे की सोचते हैं। Realme इंडिया में दोस्तों बताया जा रहा है कि 24 जून को अपना एक नया इवेंट रखने वाला है, ऐसा बताया जा रहा है। और ये दोस्तों इस दिन अपने नार्जो 30 Realme का नया टीवी आ रहा है, और साथ ही साथ Realme Buds Q2 वगैरह ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है। तो ऐसा बोल रहे हैं कि 24 जून को होगा, अब देखते हैं कि Realme क्या खास करता है। साथ ही साथ Realme X9 Pro, हाँ, इसकी पूरी स्पेक्स बाहर आ गई है, जहाँ पर इसमें AMOLED डिस्प्ले होने वाली है E3 वाली, साथ ही साथ वैसे ये कर्व्ड होगा जो बहुत बड़ी बात है। उसी के साथ Snapdragon 870 LPDDR4X UFS 3.1, 65 वॉट चार्जिंग, 32 मेगापिक्सल सेल्फी, 50 मेगापिक्सल रियर, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अगर ये फ़ोन इंडिया में भी 30,000 की रेंज का होता है या उसके थोड़ा नीचे 25 से 30 के बीच में, तो मज़ा आएगा। वैसे आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर से बताना। ऐसे एक और चीज़ बताना भूल गया, Realme 9 जो है, हाँ, इसके कुछ फोटोज़ वगैरह बाहर निकल कर आ गए हैं, कुछ रेंडर्स आ गए हैं, और मुझे देख कर ये थोड़ा सा फेक लग रहा है, क्योंकि पहले भी जब Realme 7 या Realme 8 जब आना था, उससे पहले भी जो लीक हुई थी उसमें भी आई थिंक इसी तरीके का फोटो शेयर किया जा रहा था। और ये जो चीज़ आ रही है सामने के, बोल रहे कि Realme 9 है, ये मुझे लग रहा है टोटली फेक हो सकता है। अब इसके बारे में कुछ श्योर नहीं, लेकिन ऐसा बोल रहे कि ऐसा कुछ Realme 9 यहाँ पर दिख सकता है। और वैसे इस पर भी देखा जाए तो कुछ ग्लास बैक वगैरह दिख रहा नहीं, और कुछ खास नया नहीं है। हाँ, ये तो मुझे लगता है वैसे ही होगा शायद, लेकिन एनीवेज ये श्योर नहीं इसके बारे में, तो उसको एकदम कन्फर्म मत समझना। जब भी कुछ कन्फर्म खबर आएगी आपको जरूर से दूंगा। क्या आपको पता है कि दोस्तों, चॉकलेट चिप कुकीज जिसने इसको बनाया था, उस महिला ने जब नेस्ले को ये सोल्ड किया, इस आइडिया को दिया, रिटर्न में उन्होंने क्या मांगा पता है? लाइफ टाइम चॉकलेट की सप्लाई मुझे होनी चाहिए, लाइफ टाइम। जी हाँ, आज की टेक न्यूज यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की टेक न्यूज पसंद आएगी। पसंद आई लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।